नमस्कार, मेरा नाम है गगन। स्वागत है आपका खेल नाउ टीवी पे। और ये है हमारा सेगमेंट जिसका नाम है बोल कबड्डी खेल कबड्डी, जिसमें हम रिव्यू करते हैं कबड्डी की टीम्स को, क्योंकि कबड्डी 2022 स्टार्ट होने वाली है 7 अक्टूबर से। और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कबड्डी एनालिस्ट मिस्टर राज शुक्ला। वेलकम टू बोल कबड्डी खेल कबड्डी। तो युवा की अगर हम बात करें तो लास्ट सीजन में फजल जैसे कैप्टन और डिफेंडर, अजीत और अभिषेक जैसे एस रेडर हमें देखने को मिले थे। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट सीजन में वो कहाँ ऐसा लैक कर गए? देखिए, लास्ट सीजन बेसिकली मेरे हिसाब से टीम काफ़ी बैलेंस और अच्छी थी एक तरीके से आप कहें। कहीं ना कहीं रेडिंग लाइनअप में दिक्कत आ रही थी, बिकॉज अजीत और अभिषेक में वो कोऑर्डिनेशन मिस हो रहा था। कभी अजीत चल रहे थे तो अभिषेक नहीं चल रहे थे, अभिषेक चल रहे थे तो अजीत नहीं चल रहे थे। इन बिटवीन थोड़े इंजरीज के कारण अजीत बाहर थे, बीच में अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म थे, थोड़े बीमार चल रहे थे। एंड जो टीम की एक कोऑर्डिनेशन होती है, एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन जो बैठनी चाहिए वो नहीं बैठ रही थी मेरे हिसाब से। जब बात करें आप टीम की, जो मेन कमांड कसी थी वो थे फजल। अगर आपने देखा था कई मैचों में, अगर फजल बाहर होते थे तो धीरे धीरे करके टीम भी बाहर हो रही थी। एंड जब तक फजल अपने मैट पर, जितने समय तक वो मैट पर थे, वो ट्राई करते थे टीम को कंट्रोल करने का। अब बहुत ही यंग माइंडसेट वाली टीम थी, कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत आ रही थी टीम को मैनेज करने में, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना बैठने के कारण। बाकी टीम तो भैया बहुत सही थी। अगर आप बात करें सबसे पहले मैच की, तो बेंगलुरु बुल्स जैसी टीम को उन्होंने पहले मैच में वन साइडेड हराया था, जिसमें मुझे आज भी याद है कि अभिषेक का आई गेस लास्ट सीजन में अराउंड 19 रेड पॉइंट्स उन्होंने वो मैच में स्कोर किया था, विच वॉज वन ऑफ हिज बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस इन द होल सीजन। तो टीम का एक कोऑर्डिनेशन बाद में थोड़ा सा बैठ नहीं रहा था, उसके कारण कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन हुए, जो कि लास्ट मिनट उन्होंने काफ़ी मैचेस टाई किए। अगर वो नंबर ऑफ टाई मैचेस थोड़े कम होते तो मेरे हिसाब से नतीजा कुछ और होता प्लेऑफ्स के, आगे तो टीम डेफिनेटली जाती, मे बी दे वुड हैव वन द कप। एंड रही बात फजल की, इस साल हम उनको क्या कहते हैं पुणे में देखेंगे जी। एंड उसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे हम जरूर डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं इस सीजन के बारे में। तो इस सीजन 9 में हमें यू मुम्मा में रिंकू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने 22 मैचों में 60 टैकल पॉइंट्स हासिल किए, काफी उमदा और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस दिखाते हुए एक अच्छा डिफेंडर के तौर पर वो बाहर आए। तो आप रिंकू के बारे में क्या कहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि रिंकू एज अ प्लेयर लास्ट सीजन काफ़ी फ्रेश प्लेयर थे वो, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यू मुम्बा की मैनेजमेंट ने, उन्होंने स्पॉट किया था उनको। एंड एक वूपिंग अमाउंट अराउंड 32 लाख की उनकी बिडिंग लगी थी लास्ट सीजन में, जो उन्हें टीम में लाया गया था। एंड एक राइट कॉर्नर जैसी अहम भूमिका उन्हें निभाने का मौका मिला था एक बहुत ही यंग प्लेयर को, प्लस फजल अत्राचली जैसे एक्सपीरियंस लेफ्ट कॉर्नर के साथ में कॉर्नर कॉम्बिनेशन की जिम्मेदारी भी थी। तो मेरे हिसाब से उनका सीजन बहुत अच्छा रहा, वो सब सोलो टैकल करने वाले सबसे पहले प्लेयर भी बने, एंड उनके काफ़ी उन्होंने हाई फाइव लगाए, एंड 60 points in 22 matches, दैट टू इन देयर फर्स्ट सीजन, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट विच विल डेफिनेटली रिंकू वुड बी कंटिन्यूइंग द लेगेसी इन द टीम। एंड रिंकू एज अ प्लेयर वॉज वेरी ग्रेट। वेल, रिटेंशन के बाद यू मुंबई ने रिंकू, शिवम ऐसे कई सारे प्लेयर्स को अभी भी टीम में रखा है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट भी हो सकता है यू मुंबई के लिए। बात करें तो रिंकू एज अ प्लेयर, उनको कॉर्नर के लिए, राइट कॉर्नर के लिए मुझे लगता है रिंकू से बेटर और कोई प्लेयर मिल सकता है रिटेंशन की बात करें। उनके अलावा उनके जो NYPs थे, जो पहले से साइन थे, प्रिंस थे, कमलेश थे, राहुल सेठपाल, जो कि एक बहुत 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 ही उम्दा ऑलराउंडर, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था उन्होंने इन बिटवीन जब टीम स्ट्रगल कर रही थी, तो ऐसे प्लेयरों को उन्होंने रिटेन तो किया। तो ये क्लियरेंस था कि ऑक्शन में ये अलग माइंडसेट से जाएंगे, ये काफ़ी बड़ी बिडिंग करेंगे, बड़ा गेम खेलेंगे, जो कि हमने देखा पवन सहरावत के लिए टीम ने बहुत बिड किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक वूपिंग अमाउंट था, लाइक 2.26 crore तक वो अमाउंट गया था, तो मुंबई ने एक हद तक वो रुक गए, एंड अनफॉर्चुनेटली तामिल ने उनको अपनी टीम में ले लिया। वेल, ये तो एक गेम है कबड्डी का, जिस तरीके से वो पलटता है ऑक्शन भी पलटता है, बट लाइक ऑक्शन वाइज उन्होंने स्टिल बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को मेरे सबसे पिक किया है टीम में। बिल्कुल, और गुमन और आशीष जैसे प्लेयर भी हैं जिनके बहुत ही अच्छे स्कोर रहे हैं। गुमान ने बेसिकली 19 मैचों में कुल 97 पॉइंट्स के अराउंड स्कोर किया था पिछले सीजन में, एंड आशीष ने मेरे हिसाब से 15 मैचेस में पूरे 79 पॉइंट्स स्कोर किए थे। अब ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव टीम के, आशीष वॉज फ्रॉम हरियाणा,
he was playing from Haryana Steelers and Ghuman was playing with Patna Pirates and ये टीमें ऐसी थी जो एक रेडर पर rely नहीं कर रही थी, there were 2-3 more players जो combination के साथ में खेल रहे थे. एक आप बात करो अगर दबंग दिल्ली की तो नवीन कुमार was the one who was leading, अगर आप बात करो बेंगलुरु की तो पवन सरोवर was the one who was leading, but बाकी इन टीमों में क्या होता है जो reading distribution, जो reading department है वो इन तीनों players में divide होता है. ऐसे situation में भी आप इतने अच्छे point score कर रहे हो तो अगर उन players को shape दिया जाए properly तो वो अगले नवीन कुमार, अगले पवन सहरावत, ऐसे जो सिंगल सोलो हैंडेडली जो मैच जिताने वाली काबिलियत होती है ना, उन प्लेयर्स में से एक वो बन सकते हैं. उस तरीके के प्लेयर है गुमान सिंह. अगर आप बात करें तो कुछ सीजनों पहले जब हमने प्रदीप नरवाल और मोनू गोयत की जोड़ी देखी थी पटना पायरेट्स में, उस समय सबने सोचा कि अगले सीजन में कौन होगा बिडिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा जिनकी बिड जाएगी, बट देखने देखते किसी को पता नहीं चला 1.51 करोड़ के अराउंड मोनू गोयत की बिडिंग चली गई. तो ये एक साबित होता है कि एक सपोर्टिव रेडर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टार रेडर या जो मेन रेडर होता है उसके साथ में. सपोर्टिव रेडर का उल्टा ज्यादा रोल होता है क्योंकि टीम उन पर रिलाय करती है मेन रेडर पर, जब वो बेंच पे होते हैं देन ही इज द वन हु टेक्स ऑन द कमांड. एंड बहुत सी जगहों पे सपोर्टिव जो रेडर होता है वो स्टार रेडर के तौर पे आगे उभर के आता है. एंड मुंबई हैज दैट क्वालिटी. उन्होंने अभिषेक को ओवर द सीजन ऐसा बना दिया कि आज वो तेलुगु की टीम को लीड करने वाले हैं. उसी तरीके से गुमान विल बी द नेक्स्ट लीडिंग एस्पेक्ट ऑफ मुंबई एंड डेफिनेटली इन अपकमिंग सीजन विल बी लुकिंग हिम फॉर लाइक उनकी बहुत ही अच्छी गेम प्ले हमें देखने मिलने वाली, इसकी तो श्योरिटी है ही. वेल ये तो रेडिंग की बात हुई. अगर यू मुंबई के डिफेंड के बारे में बात करें, हरिंदर, सुरेंदर, किरण, ऐसे प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, तो आप क्या कहते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग स्ट्रेटजी के साथ आ रही है यू मुंबई? देखिए लास्ट सीजन में ये कहना चाहूँगा डिफेंस में काफ़ी छोटी मोटी सिली सी मिस्टेक्स हमें लास्ट मोमेंट पे देखी थी मुंबई के, तब जाके मुंबई के हाथ से वो मैच छूटे थे. रेडिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अगर आप इस बार के डिफेंडिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से जो कॉर्नर कॉम्बिनेशन है मोस्ट लाइकली वो होगा रिंकू और किरण मगर का. एंड रिंकू की तो परफॉर्मेंस आप जानते ही हो, बट अगर आप बात करें किरण की तो ये एक हीरा है महाराष्ट्र की मिट्टी में से जो पीकेएल को मिलने वाला है ये सीजन. बिकॉज आप ओवरऑल उनके मैचेस देखे, ये अब इस बार का जो सीनियर नेशनल था उसमें जो उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था, व्हाट अ परफॉर्मेंस है ये. आप फाइनल भले टीम क्वालिफाई नहीं कर, लेकिन आप ओवर द सीजन पूरा अगर आप पूरा ले वो जो सीनियर नेशनल का पूरा एक जितने भी मैचेस लाइंड अप थे आप वो सब देखोगे तो वहाँ पे व्हाट फजल अतरा चले एज अ लेफ्ट कॉर्नर, सुरेंद्र नाड़ा आपको वो उनकी याद दिला देंगे, इतने अच्छे और इतने शानदार तरीके से वो लेफ्ट कॉर्नर लगाते. तो कॉर्नर कॉम्बिनेशन बहुत बहुत उम्दा होने वाला है मुंबई का, इसकी तो गारंटी है. इसके अलावा अगर आप बात करें कवर की तो कवर पे मोस्टली हमें हरिंदर और सुरेंद्र की जोड़ी दिखेगी. अब हरिंदर और सुरेंद्र जो है ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, प्लस एक एडवांटेज है कि यू मुंबई के लिए पहले खेल चुके हैं. अब यू मुंबई के लिए इन्होंने खेला तो है, लेकिन ये दोनों जाने जाते हैं उनके अग्रेशन से, उनके अग्रेसिव गेम प्ले से. तो कहीं ना कहीं उन्हें ये अग्रेसिव पना जो है वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है एक कवर जब किसी के लिए जाता है तो दूसरा कवर बाकी सब पूरी टीम उनको सपोर्ट करने आती है. तो एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ अगर आप टैकल करोगे तो सारी टीम आके ऑन टाइम, बिकॉज ये एक ग्रुप का गेम है. एक मेन बात ये होती है कि डिफेंडर का काम रेडर को रोकना नहीं होता, एक्चुअली डिफेंडर का काम है रेडर को कुछ टाइम के लिए ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाकी का काम टीम करती है. कबड्डी इज एक्चुअली अ स्क्वाड गेम, ये एक सोलो नहीं. वो काफी आप सोलो टैकल्स देखे हो आपने, मगर फिर भी ये एक पूरा स्क्वाड गेम है, खाली रेडर का सोलो गेम होता है. अगर आप डिफेंडिंग के लाइनअप करें तो पूरी टीम इन्वॉल्व होती है उसमें. बिल्कुल बिल्कुल. एंड टीम की अगर बात करें तो इस सीजन में मतलब देखा जा रहा है कि इतने ज्यादा स्टार्स प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ कोच बन जाते हैं, तो कुछ क्या कहते हैं किसी और टीम में चले जाते हैं एंड उस टीम के लिए एक स्टार प्लेयर के तौर पे खेलते हैं. तो बहुत सी ऐसी टीम होती है जो स्टार प्लेयर से लैक कर जाती है, और फैंस चाहते हैं कि हर टीम में स्टार प्लेयर हो, हर एक टीम में एक ऐसा प्लेयर हो जिनको फेवरेट प्लेयर्स के तौर पे चले. तो अब वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है फैंस की अगर बात करें तो बहुत ही थोड़ा डिसअपॉइंटेड नेचर आ रहा है. तो इस पर आप क्या कहेंगे? फैंस डेफिनेटली डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज एज फार एज फजल इज कंसर्न उन्होंने कई टाइम से लेफ्ट कॉर्नर संभाला है. प्लस यू मुंबई की लीडिंग पकड़ा पकड़ सीजन स्टार्टिंग से देखे तो अनुप कुमार वॉज द मेन लाइमलाइट ऑफ यू मुंबई, एंड उनके बाद में अगर यू मुंबई की कमान किसी ने कसी है तो मेरे हिसाब से वो फजल थे. एंड फजल जैसा खिलाड़ी एक अगर आप इतने साल कंटिन्यू करते हो एंड सडनली आप दूसरे टीम में स्विच होते हो, बट दिस इज अ गेम ऑफ कबड्डी, एट सम पॉइंट कोई आया है तो जाने के पर्पज से आया, कहीं ना कहीं आपको जाना ही होगा. दिस इज वॉट लाइफ इज एक्चुअली, नॉट ओनली द गेम. तो फैंस तो डेफिनेटली निराश होंगे,
बट स्टिल यार गेम है, एक जाता है दूसरा आता है। लास्ट सीजन तक सिर्फ एक ईरानी लेफ्ट कॉर्नर माना जाता था कि सबसे बेस्ट है, लेकिन लास्ट सीजन ये प्रूव हो गया जब मोहम्मद रिजा शादलू आए, जब उन्होंने पटना पायरेट्स का लेफ्ट कॉर्नर लगाया, माय गॉड, उनकी तुलना फजल से हो रही है, उन्हें जूनियर फजल कहा जा रहा है, बिकॉज जिस तरीके के एडवांस टैकल, अब जितना परफेक्शन उनके एंकल होल्ड में था, जितने एडवांस वो जाते थे, उनका जो टैकल रेशियो है वो बहुत ही बेहतरीन था। तो हर एक का एक समय होता है धीरे धीरे करके, एंड जो टीमें होती हैं वो बेसिकली आप नए प्लेयर्स को ऐड ऑन करते हो, उसीलिए करते हो ताकि आगे चल के आप उसे और एक मजबूत टीम बनाओ और एक कोर फॉर्मेशन करो। तो जहां तक कि मुझे पता है, यू मुंबा मेनली फोकस कर रही है आज के आने वाले कई आगे सालों के गेम प्ले पर, कि हमें कोर टीम और एक बनानी है, क्योंकि जूने कोर जब निकल जाते तो हमें एक न्यू कोर डेवलप करना है। एंड इसीलिए उन्होंने विशाल माने, उनके जो पुराने प्लेयर्स थे विशाल माने, इस बार वो एक मैं कहूँगा प्लेयर से ज़्यादा एक मेंटोर की तरह बहुत काम आएंगे टीम में। वो भी उनका भी एडिशन हुआ है स्क्वाड में रिसेंटली, यू मुंबा ने ये अनाउंसमेंट की थी। सो ही वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, ही वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द ओवरऑल कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ द टीम। तो मतलब फैंस को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, यू नेवर नो कि कब एक स्टार प्लेयर बनके आपके सामने आ जाए, कब आप किरण मगर के फैन हो जाओगे लेफ्ट कॉर्नर में, यू नेवर नो। जैसे पहले कोई नवीन कुमार को नहीं जानता था, मगर अब देखो ही इज अ स्टार प्लेयर ऑफ दिल्ली। बिल्कुल, एंड जो स्टार प्लेयर्स आप नाम लेते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन आता है, अनुप कुमार, सुरेंद्र नाड़ा, मोहित चिल्लर, ये वो बेसिकली एक शुरुआती, विशाल माने, ये सब यू मुंबा से ही निकले हैं ना। तो कहीं ना कहीं से कहीं पहुंचने के लिए, कहीं कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं आना भी पड़ता है। बिल्कुल, उससे तो यू मुंबा इज लाइक, अगर आप डेटाबेस देखेंगे तो यू मुंबा इज वेरी ग्रेट इन यू नो प्रोड्यूसिंग सच काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में या इस टाइम में भी, और प्लस यू मुंबा के चार और नए NYP रेडर्स आए हैं जो कि एक से बढ़कर एक है, रुपेश उनमें से एक है, शिवम तो है, शिवम विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस सीजन, लास्ट सीजन इतना चांस नहीं था, बट इस सीजन उनको एक अच्छा सपोर्टिव रेडर बन के आना पड़ेगा। प्लस और भी अच्छे अच्छे रेडर्स हैं जो कि बहुत फास्ट हैं, बहुत ही फ्रजाइल हैं, बट दे आर वेरी अननोन, दे आर वेरी रॉ, तो उनका गेम प्ले PKL में एक तरीके का सरप्राइज होगा, दे वुड बी लाइक अ सरप्राइज पैकेज फॉर अदर टीम्स। वेल, ये तो सारी स्ट्रेंथ की बात हुई, यू मुंबा की ऐसी कौन सी वो वीकनेस है, जैसे हर एक टीम का एक छोर होता है जहाँ पे वो बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है, मगर हर एक टीम का एक वो छोर भी होता है जहाँ पे थोड़ी वीकनेस, थोड़ी लैकनेस, लूप होल जो दूसरी टीम पकड़ सके, तो वो यू मुंबा के लिए क्या हो? देखो, यू मुंबा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में पहले सबसे पहले अगर फिगर आउट करना चाहूँ तो बोलूंगा कि एक यंग टीम है। अब आप बोलोगे एक्सपीरियंस नहीं है तो यंग टीम है, लेकिन एक यंग का जो कॉम्बिनेशन बैठता है, लास्ट सीजन रिंकू फजल का वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा जो यू नो एक रिंकू और किरण का बैठेगा यंग माइंडसेट के साथ में, कई बार हमने ये चीज़ें भी देखी है। तो एक यंग टीम बहुत क्विक होती है, प्लस जैसा हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि यंग प्लेयर्स का अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे ये गेम बहुत फास्ट हो गया है और कैसे कोच उनको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उनके गेम प्ले को चेंज कर सकते हैं, उनको अलग अलग सिचुएशन के लिए रेडी कर सकते हैं, उनके स्किल्स में और डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो यंग प्लेयर्स ये एक तरीके की जितनी स्ट्रेंथ है ना, मेरे हिसाब से यंग पूरी टीम है, तो एक तरीके की वीकनेस भी है, वीकनेस नहीं कहूंगा मैं, बट एक हल्का सा ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। बट भले ही एक्सपीरियंस के नाम पे थोड़े लोग ऐड ऑन हुए हैं टीम में, मगर फिर भी ऑन मैट थोड़ी सी कमी हो सकती है। अगर आप अगर सुरेंद्र और हरिंदर की बात करें तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं थोड़े एग्रेसिव उनके नेचर की वजह से अगर वो बाहर बैठ गए तो टीम का कमांड लेने के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है इन बिटवीन। तो थोड़ा सा उन्हें एक ये फोकस रखना पड़ेगा उनके जितने एक्सपीरियंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो हल्का सा, क्योंकि क्या होता है कई बार जब आपके मेन प्लेयर बाहर बैठते हैं, या लास्ट सीजन भी यू मुंबा की क्या गलती थी कि काफ़ी क्लोज मैच आ गए थे तो क्लोज मैचेस में गलतियां हो रही थी, आप लैग कर रहे हो, फिर आपने कई बहुत मेहनत मशक्कत करके वो लीड पूरी कवर की एंड आप एक बराबर इक्वल स्टेज पर आ गए हो, एंड अब आपको वो लीड ऑलमोस्ट इक्वल है तो अब आपको लीड लेनी है, ऐसे टाइम पे आप लीड दे देते हो, आप पॉइंट्स दे देते हो जी। तो ऐसे मोमेंट पे एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, अब वो चाहे कोच के नजरिए से हो चाहे प्लेयर के नजरिए से हो। अब बाहर बैठे तो कोच हर बार तो वो बता नहीं पाएंगे, तो अंदर का जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है वही एक टीम की कमान कस के रखता है। तो ये था रिव्यू यू मुंबई का मिस्टर राज के साथ। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन पे लिखकर जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब खेल नाउ TV।